हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोगों को मालूम है और जो लोग पहली बार मेरे चैनल पे वीडियो को देख रहे हैं, उन लोगों को भी मैं बतला दूं कि श्री अमरनाथ जी यात्रा से संबंधित हर एक छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण जानकारियों को मैं आप लोगों तक जल्द से जल्द पहुँचाने का कोशिश कर रहा हूँ। मेरे इस स्पेशल सीरीज में आप जाकर श्री अमरनाथ यात्रा से संबंधित हर तरह की जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं, जैसे रजिस्ट्रेशन कैसे करें, मेडिकल कैसे कराएं, कहाँ पर रह सकते हैं आप, क्या क्या ऑप्शंस होगा आपके पास, क्या आप लेकर जाएं, कौन सा चीज आप अवॉइड करें, इस तरह से रिलेटेड। क्योंकि श्री अमरनाथ जी का यात्रा ऐसा नहीं होता है कि आप एक दिन में बस एक 10 मिनट की वीडियो देखकर आप हर एक चीज को समझ लें। ये यात्रा एक बहुत पायस और काफी हाई एटीट्यूड पे होता है, जिसके कारण कि हम लोगों को बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। और यात्रा आपको मालूम होगा कि सिर्फ 45 से 50 दिनों के लिए शुरू होता है। जैसे इस बार 30 जून से लेकर 11 अगस्त तक रक्षाबंधन के दिन तक ये यात्रा चलेगा। तो इसके लिए सरकार को भी काफी सारी तैयारियां करनी होती है और हम लोगों को भी, जो पिलग्रिम्स होते हैं उन लोगों को भी काफी सारा तैयारी करना होता है। तो इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए मैं स्पेशली इस सीरीज को बनाया हूं, जिसमें कि आपको हर एक तरह का यात्रा से संबंधित हेलीकॉप्टर बुकिंग, पोनी पिट्टू रेट, हर एक चीज आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो सबसे पहले शुरू करते हैं डांडीज का रेट। डांडीज क्या होता है? डांडीज वो जो होता है, इसमें 6 लोग लेकर चलते हैं। तो डांडीज का जो रेट है वो है बालटाल से होली कैब जाना और वापस आना, दोनों को मिलाकर 15,190 रुपए हैं। अगर आप बालटाल से होली कैब जाते हैं, मतलब सिर्फ आप चढ़ाई करते हैं बालटाल के रास्ते से, तो 9,490 रुपए। और अगर सिर्फ आप उतरते हैं ऊपर से होली कैब टू बालटाल, तो ये 4,950 रुपए होते हैं। वहीं अगर आप बालटाल से पंचतरणी तक सिर्फ जाते हैं तो ये आपका 2,020 रुपए होगा। ये आपका डांडीज के थ्रू जब आप बालटाल रूट से जाते हैं। अब नेक्स्ट आते हैं पिट्टू पे। पिट्टू क्या होता है? जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था, पिट्टू में लोग जो है सामान अपने बैग पे लेकर जाते हैं, जो लेबरर्स होते हैं, जिनके पास ना उनके पास कोई खच्चर होता है ना उनके पास पोनी होता है। तो लोग ऐसे भी होते हैं जो अपने बैग पे सामान लेकर चलते हैं। इसका वेट लिमिट होता है 20 kg तक होता है। तो ठीक है, इसका अब रेट बताते हैं। तो बालटाल टू होली कैब जाकर आने का इसका रेट है 2,280 रुपये, 2,280 रुपये। अगर आप नाइट हॉल्ट करते हैं और वो भी आपके साथ रुकता है, तो उसका एक अलग से पर नाइट चार्जेस 690 रुपीज आपको देना होगा। इसके बाद बालटाल से होली कैब सिर्फ आप वन साइड जाते हैं नीचे से ऊपर, तो 1,485 होगा। उसके बाद जब होली कैब से बालटाल नीचे के लिए सिर्फ आते हैं, ऊपर से उतरते हैं, तो 1,010 रुपये होगा। बालटाल से रेल पथरी जो है वहां तक अगर आप जाते हैं तो 1,210 रुपये है। रेल पथरी से अगर आप सिर्फ नीचे आते हैं बालटाल तक, तो वहां तक आपका 790 रुपये है। उसके बाद बालटाल टू बड़ी बरारी मार्ग जो है वहां पे आपको 1,370 रुपये है ऊपर चढ़ने का। और बरारी मार्ग से अगर आप लेबरर का सहारा लेकर उतरते हैं, मतलब सामान उनको देकर उतारते हैं, तो 890 रुपये है। वहीं आपको बालटाल से संगम टॉप है, जो कि काली माता भी कहते हैं, वहां तक का आपका 1,900 रुपये है। और जब आप ऊपर से संगम टॉप से आप नीचे बालटाल आते हैं, तो वो आपको 1,230 रुपये हो जाएगा। वहीं बालटाल टू पंचतरणी जो है वो 2,020 रुपये है। और बालटाल टू एमजी टॉप जो है वो है 2,320 रुपये। तो ये आपका लेबरर और इसका मतलब पिट्टू जिसको हम बोलते हैं, उसका रेट है। 20 kg तक सामान आप उनको दे सकते हैं, वो आपको 20 kg तक सामान लेकर चलेंगे। अब पोनी राइडिंग का बता दें। पोनी राइडिंग मतलब जो हम लोग बैठकर खच्चर पे जाते हैं उसका बता रहे हैं। तो बालटाल टू बरारी मार्ग का 1,720 रुपये है। बालटाल टू रेलपत्री का 1,620 रुपये है। बालटाल टू संगम टॉप जो है उसका 2,020 रुपये है। और बालटाल टू पंचतरणी का 2,420 रुपये है। ये रेट्स पहलगांव के कंपैरिजन में कम है, क्योंकि इधर से आपको मालूम है कि डिस्टेंस काफी कम हो जाता है, तो ये रेट्स उसी के हिसाब से है। अब आ जाते हैं पोनी, जो कि पोनी के ऊपर हम 60 kg तक सामान लोड करके जो जाते हैं, तो उसका क्या क्या रेट होगा? तो बालटाल टू होली कैब जाकर वापस आने का आपका 4,390 रुपये है। उसके बाद बालटाल टू होली कैब अगर वन साइड लेते हैं तो 2,830 रुपये है। उसी तरीके से अगर आप ऊपर से नीचे उतरते हैं, तो आपका होली कैब टू बालटाल आने में आपका 1,960 रुपये है। फिर आपका बालटाल टू संगम टॉप जो है वहां तक का 2,020 रुपये है। इस तरह से सारा रेट्स है। सारा रेट्स आपको श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड के वेबसाइट पे आ चुका है। मैं वहीं से आपको आज का रेट बता रहा हूँ। कल वो रेट पहलगांव का रेट नहीं आया था, वो रेट मैं आपको पहले बता दिया था, मगर आज रेट आ चुका है। तो अगर आपको थोड़ा सा भी लगता है तो आप वहां पर रेट देख सकते हैं। वैसे पोनी राइडिंग तक का रेट मैं बता दिया हूँ। पोनी बैग का जो रेट है, जो पोनी के ऊपर सामान रखकर चढ़ते हैं, इस रेट में मुझे थोड़ा डाउट है कुछ रेट्स का, वो मैं कंफर्म करने वाला हूँ। बट ये अभी थोड़ी देर पहले अपडेट हुआ है, तो इस समय तो बात नहीं हो पाया है, कल बात होगा। तो ये लास्ट सेक्शन जो है ये मैं आपको वापस से कंफर्म कर दूंगा रेट्स।
बाकी सारे रेट्स यही रहेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय बाबा बर्फानी, भूखे को अन्न, प्यासे को पानी।